एट्थ में तुम्हारे पास है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का tan 2x। ठीक है, अब sec स्क्वायर का क्या होता है, ये tan में दे रखा है, तो sec स्क्वायर को क्या हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, यही तो लिखोगे। तो 1 से 1 कट गया, ये tan 2x इधर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर 2x प्लस का tan 2x इज इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना आएगा, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक बार आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू 0 इस वाले फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से tan 2x इज इक्वल टू 0 आएगा। और tan x इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला क्या है, n पाई, क्या है फॉर्मूला, n पाई, तो 2x आ जाएगा n पाई के इक्वल, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी n पाई अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई अपॉन 2। और अगर हम बात करें दूसरे वाले केस की, जिसमें tan 2x इक्वल टू ये 1 इधर आएगा तो -1 आएगा, मैंने क्या बोला माइनस को मत देखो 1 को देखो, तो अल्फा क्या, अल्फा मेरे लिए पाई बाई 4 होगा 45, क्योंकि 45 पे ही वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, टेन नेगेटिव होता है तुम्हारा कहाँ के, सेकंड में होता है नेगेटिव और फोर्थ में, तो हम कौन सा लेंगे, सेकंड वाला, तो क्या हम इसको टेन पाई माइनस अल्फा, अल्फा ही पाई बाई 4 लिख देंगे, तो क्या ये टेन 3π/4 आ जाएगा, टेन 2x। अब टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स यहाँ पे 2x है तो 2x ही लिखना है, एन पाई प्लस का वाई, यानी कि 3π/4, 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया एक्स इक्वल टू एन पाई बाई 2 प्लस 3π/8, ये हो गया आंसर, एन पाई बाई 2 प्लस 3π/8, ठीक है, तो ये हो गया।